जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहद नजीर और आप तमाम लोगों को अपने इस फेसबुक पेज पे, इस फेसबुक वीडियो पे और यूट्यूब वीडियो पे खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, इस चीज को शुरू कहां से किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था और अभी तक मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि मैं आपको क्या बताऊं क्या ना बताऊं। सर, एक बात मैंने बहुत पहले कही थी, जिस वक्त इमरान खान ने लोगों को जगाना शुरू किया था उस वक्त मैं ये बात आपको बता चुका था कि इमरान खान को निशाने इबरत बनाना इस वक्त की जरूरत है। अच्छा, लोग चीदा सीधा लोग आप कह सकते हैं, चीदा सीधा लोग जिनको आप इक्का दुक्का लोग कहते हैं, वो जो उनकी आवाजें निकल रही थी कुछ भी नहीं किया। हम पाकिस्तानी कौम पैसों कि जब बात आती है ना, कुछ भी नहीं किया गया। हमारे ऊपर बिजली के बिलों की और महंगाई की भरमार कर दी गई, उन साहब को जेल भेज दिया गया और हम सब लोगों ने अपनी तवज्जा इमरान खान से हटाकर महंगाई की जाने, बिजली के बिलों की जाने मोड़ दी। मेजॉरिटी इस वक्त बिजली के बिलों में ही गर्क हो चुकी है। यानी इसका मतलब यह है कि वो लोग इतने सतही लोग थे, इतने छोटे लोग थे कि उनके ऊपर जैसे ही बिजली का बिल डाला गया, जो भी उनकी सपोर्ट थी वो गायब हो गए। और यहां तक मैंने देखा कि कई लोग तो वापस अपनी उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के नारे लगाने लगे। एमकेएम ने काफी अर्से तक कराची को यजमान बनाकर रखा। मुस्तफा कमाल साहब की एमकेएम में वापसी को जब आप देखेंगे तो आप ये बात समझ पाएंगे कि भाई अल्टीमेटली एमकेएम पहले भी कंट्रोल होती थी, आज भी कंट्रोल होती है। नवाज शरीफ लंदन में बैठ के क्यों जान निकलती है उसकी यहां पे उतरते हुए, कभी आप सोचेंगे? और लंदन में बैठकर ऐसा कौन सा प्रेशर है जो वो बिल्ड कर पाता है, जो अल्ताफ हुसैन बिल्ड कर पाता है? और दूसरा, यहां के सियासतदान भागकर लंदन ही में जाते। सर, इन चीजों को सोचा जरूर करें कि 1947 में अगर हमने आजादी हासिल कर ली थी और आज भी हमारे फैसले बरतानिया में बैठकर पॉलिटिशियन करते हैं, तो ऐसे कौन से खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें आज तक पढ़ाए नहीं गए और हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज समझ में आती। पर तब भी अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो सियासतदानों को जैसे ही कंपेयर किया जाएगा हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से या उन जर्नैलों से जिन्होंने जतीरे नहीं बनाए, मेरा यहां पे इशारा मुशर्रफ की तरफ है। सर, मुझे आज भी याद है कि मुशर्रफ के दौर में मैं उन लोगों से मिल सका, उन लोगों से बात कर सका जिन्होंने मैरिट की बिना पर तकर्रुरी हासिल की। मगर हमें सियासतदान समझाता क्या है? हमें सियासतदान ये बात समझाता है कि भाई जमहूरियत आमरियत से बेहतर है। ये सरदारी साहब टाइप के लोगों का एक नारा है और हम उस नारे के पीछे चलते चलते अपनी दुनिया को कम से कम तबाह कर बैठे। आखिर का एंड पे पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, लोग कई लोगों के, मतलब मैं बताऊं इस चैनल पे जो हम बात करना चाहेंगे, सर लोगों की थिंकिंग के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, लोगों की सोच के हवाले से। बड़ी सतही सी सोच है। अच्छा, पहले मैं बताऊं, अगर पाकिस्तान में, इवन इंडिया में भी अगर आपको कामयाब होना है ना, ये जब हम कंपैरिजन करते हैं मोदी का और नवाज शरीफ का या मोदी का और आपके सरदारी का, तो वहां पे बैठे हुए लोग आज की तारीख में गलत नहीं कह रहे हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। सर, औलाद के बारे में इंसान सबसे पहले सोचता है, तो नवाज शरीफ ने मरियम के बारे में और सरदारी ने बिलावल के बारे में नहीं सोचना था, क्या आपके मेरे बारे में सोचना था? और अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो उसकी वजह आप जब मोदी का उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा भाई कोई बच्चा बच्चा नहीं है उसका, कोई औलाद नहीं है। कभी अपनी वालदा से जाके मुलाकात कर ली तो कर ली, अदरवाइज उसको वो जरूरत भी महसूस नहीं होती है
सालों में एक दो बार चक्कर लगा लेता है, उसकी मीडिया पब्लिसिटी कर देती। तो ये आप पहले समझेंगे कि जिन सियासतदानों की औलादें हैं और वो उन औलादों को सामने ले आते हैं, तो वो आपके और मेरे बारे में नहीं सोच रहे होते, वो अपनी औलाद के बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं और बिल्कुल सही डिसीजन लेते हैं। और हमें अगर इन तमाम हालातों वाकयात में सर्वाइव करना है और अपनी औलाद के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले मैं आपको मोटी सी एक बात बता दूं कि सर आप ये पाकिस्तान में तरक्की का असूल जान जाएंगे, भाई पांचों उंगलियां बराबर है, खत्म हो गया। आज हम एक करियाने जनरल स्टोर की दुकान पे खड़े हुए थे और वहां पे यही बात हो रही थी। तो ये कुछ लोगों में होता है कि नहीं जी हमारे खानदान, वो कहते हैं हमारे खानदान में तो ये हो रहा है। पहले तो भाइयों औरतें करती हैं ऐसा कि हमारे यहां ऐसा होता है, हमारे यहां ऐसा होता है। मैंने पाकिस्तानी खानदानों को बहुत करीब से देखा, मैं मोटी मोटी सी बातें बता देता हूं ना कि अगर आपको भी ये गलतफहमी है कि आपके खानदान में कोई नाम में सैयद शाह सिद्दीकी या कुछ और लगा के आपको ऐसा लगा कि आपके खानदान में कुछ और हो रहा है और हमारे खानदान में कुछ और हो रहा है, तो आप 60 औरतें, 60 छोड़ो यार 16 औरतें अपने खानदान की, उनसे पूछे कि अगर आपका हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहे तो आपकी क्या राय है। मैं अभी आपको बता देता हूं कि आपके खानदान की उन खवातीन का रिस्पॉन्स क्या होगा जो आप कह रहे हैं हमारा खानदान, हमारा खानदान अलग है और दूसरे का खानदान अलग है। और इसी तरह से जी वो सियासतदान अलग है और ये अलग है, नवाज शरीफ अलग है, जरदारी अलग है, अल्ताफ हुसैन अलग है, और ये जो मुस्तफा कमाल आया है तो अच्छी बात है, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में आया है, फुल्ली कंट्रोल्ड इंसान है, कोई बुराई की बात नहीं है। तो आप जब खवातीन से पूछेंगे तो वो सिंपल बताएंगी कि भाई दो बातें करेंगी, एक तो शरीफों की एक शादी होती है, दूसरा वो आपको बता देंगे कि शादी का बहुत शौक चल रहा है तो मुझे छोड़ दो फिर शादी कर लेना। यानी वो सेकेंड वाइफ को लाने में आपकी मुआविन साबित नहीं हो पाएंगे, तो पहले आप यहां समझ जाएंगे कि भाई आपका खानदान कोई भी जो मेरा खानदान है और जो मेरे खानदान में बिहेवियर हुई आपके खानदान में कोई अलग चीज आपने नहीं मतलब पाली है। दूसरा नेकी दली का फॉल है, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। तो जैसे जैसे आप नेकियां करते चले जाएंगे लोगों के साथ, वो आपके बारे में शरारत बुनना शुरू कर देंगे। कुछ भी ना करें आप किसी को, मैंने कहा किराना स्टोर में खड़ा होता जनरल स्टोर में, मैंने कहा मिस्टर आप अपने खानदान में अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई खानदान डिफरेंट है, आप फ्री चावल वहां चावल पड़े रहते, मैंने कहा बेहतरीन चावल जो है ना वो आप अपने खानदान में रवाना करना शुरू करते हैं हर घर में। मैंने कहा उसका जो फीडबैक निकलेगा वो कुछ इस तरह होगा कि अगला कहेगा उसके पास चावल ज्यादा थे, फेंकने की जगह नहीं थी तो हमें दे दिए। मोस्ट एक्सपेंसिव चावल भी अगर आप अपने खानदान में किसी को दे देंगे महाना की बुनियाद पे, तो वो आपको जो बातें सुनाएगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि तमाम लोग फ्री में मिली हुई चीजों को, चाहे वो आपका खानदान हो या मेरा खानदान हो, वो फ्री में मिली हुई चीजों के बारे में जो कमेंट पास करेंगे आप उससे अंडरस्टैंड कर जाएंगे। और फिर हमारे एक दोस्त हैं, वो साहब कहते हैं कि जिस वक्त तुम्हारी तरफ से की गई नेकी का सिला बदी से मिलना शुरू हो जाए, समझ जाओ कि तुम्हारी नेकी भी कबूल हो गई। तो ये कुछ बातें होंगी जो हम इस पे करना चाहेंगे। इसके अलावा गौरव आर्या को मैं डेली सुबह सबसे पहले जब मैं उठता हूं गौरव आर्या को सुनता हूं। गौरव आर्या एक ऐसा मेजर है जो 6 साल में मेजर बन गया था, फिर वो रिटायरमेंट के बाद उसने किसी भी बिना पर रिटायरमेंट ली और अब वो पाकिस्तानियों के बारे में सिर्फ मजाक करने पर तवज्जो देता है। उसकी टोटल जो रोटी पानी है, एक तो वो पेंशन जो उसे मिलती है फ्रॉम द आर्मी उस पर गुजर बसर कर लेता है और दूसरा पाकिस्तानियों को लानतान करके, उससे कम अज कम हमें पाकिस्तानियों का जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, जो लोगों की सोच है हमारे बारे में, वो हमें पता चलती रहती है। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जी वो इंडिया चांद पे उतर गया, जो व्हीकल है ना उन्हें कहा जाए कि वो जो व्हीकल है उसकी एक तस्वीर तो भेजो चांद की। सर वो चीजें ऐसी होती नहीं है जैसी दिखाई देती है। आपको अपने एंगल को थोड़ा सा, मेरी कोशिश रहेगी इस कम से कम चैनल पे
मैं आपके उन एंगल्स को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकूं, थोड़ा सा उनको एक मुख्तलिफ जाविया में भी दिखा सकूं, शायद शायद अच्छा मैंने उन मुख्तलिफ जावियों से कुछ दुनियावी तरक्की कह लें या दुनिया में पैसे बहुत लगाए, इट्स ऑल अबाउट मनी। घूमकर की कहानी आ कहां पे रही है? घूमकर के वही बात है भाई, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास बेहतर घर है, आप उसी से मरूब हो जाते हैं। मैं कहता हूं कई बार अगर आपने जीना है ना, आप कोशिश करें कि इस तरह जीना शुरू करें कि जिसके अंदर आप ऐसा सोचें कि दुनिया में कोई भी नहीं, मान के चले दुनिया में कोई भी नहीं, आप बाहर चल सकते। उस वक्त कौन सी गाड़ी रखना चाहेंगे आप? उस वक्त कौन से कपड़े पहनना चाहेंगे जब कोई आपको देखने वाला ना हो? हम पाकिस्तानी कौम थोड़ी छिछोड़ी, थोड़ी सी छिछोड़ी, वैसे थोड़ा सा बट ज्यादा छोटा हो गया है, इतनी चिचोड़ी नहीं, थोड़ी बड़ी चिचोड़ी है। हमें दिखावे का बहुत शौक है, हम दिखावों पे चलते हैं। फिर हमारे यहां फॉलो करने का हमें लोगों को बड़ा शौक होता है कि भाई हम, हमारे यहां मौलवी भी वही पहुंच पाता है सियासतदान के घर तक जिसको हम लोग वहां तक पहुंचाते हैं, और फिर वो मौलवी हमसे ही सलाम करते भी कर रहा है। मेरा इशारा किस तरह आप समझ गए? फिर कराची में घूमते फिरते हमें वो लोग मिल जाते हैं जो अपने आप को सामाजिक कारकुन कहते हैं, वो भी दिखावों पे चलते हैं। दिखावों पे इस तरह चलते हैं कि भाई एक सामाजिक कारकुन ने पहले एक साथ खाना बना लिया था लाशों के लिए, अब दूसरे ने जब बनाना था तो उसने चौंगी के ऊपर ही उसी सत्खाने के करीब ही बना दिया। दिखावा दिखावा, वो चाहता तो सदर में जाके बना लेता, उसने एटी के सत्खाने के करीब ही सत्खाना बनाना इसलिए जरूरी समझा, यानी वो कंपीट करने पर उतारा है। वो आप की भलाई के लिए जब काम करना होता ना तो औरंगी टाउन भी है, कोरंगी भी है, सदर के एरिया पे जाके वो सत्खाना बना सकता था, बट नहीं, वो उस चौराहे पर ही बनाएगा जो एटी सत्खाने से एक किलोमीटर का फर्क भी नहीं आ, दिखावा। दूसरा, उसकी तरक्की के पीछे मैं सबको बताऊं कौन है? एक कैमरा मैन, वो जहां जाएगा वो कैमरा मैन फौरन से कैमरा निकाल लेगा और वो फौरन हाईलाइट करना शुरू कर देगा। कभी गवर्नर के साथ लटक के घूम रहा होता है, सर अपने मुश्किलात से अगर आप निकलना चाहते हैं तो पहले तो लोगों से इंप्रेस होना बंद करें, नो नीड टू बिकम फॉलोअर। एक बाल को पढ़ना शुरू करें, खुद ही, कोई कहता है जी मैं बहुत है, भाई खुद ही में मैं है, खुद ही को कर बुला देने में जो बात की गई है, आपने मैं पर काम करना है, आपने मैं होनी चाहिए। पर वो जो हमारे खानदान, हमारे खानदान वाली कहानी वो डिफरेंट है, और मैं का मतलब ये कि खुद ही पे काम करना है, अपनी जात पे काम करना है। सिंप्लिसिटी, सादगी जिस वक्त आप अपनी जिंदगी में ले आए, काफी चीजों को आप बदल सकते हैं। बिजली का बिल ज्यादा आ गया, अच्छा ज्यादा आ गया तो क्या करें? मतलब के इलेक्ट्रिक, मैं बताऊं कुछ नामों को आप पढ़ा, आरिफ मसूद नकवी, हर इंसान की कीमत होती है। नकवी थोड़ा पहले दिख जाता है, मेरे नाम में चौधरी लिखा लगा हुआ है, चौधरी थोड़ा बाद में मिल जाएगा, पर नामों में इंपॉर्टेंस है। आरिफ मसूद नकवी, और जो मैंने टोपी ड्रामा करने वाले की बात की उसका नाम भी पूरा मालूम करें, उसका नाम पूरा मालूम करें तो आप ये समझ पाएंगे कि नामों की इंपॉर्टेंस भी है। कुछ नाम जल्दी बिकते हैं, कुछ नाम थोड़े देर में बिक रहे होते हैं। गौरव आलिया के बारे में अगर आप थोड़ी रिसर्च कर लेंगे उससे आपको अंदाजा होगा कि भाई गौरव आलिया क्या कर रहा होता है। अगर आपने जिंदगी में सादगी को अपनाना शुरू किया आप कामयाब हो गए। अच्छा जरूरी नहीं है सादगी वो जो मौलाना टाइप की सादगी होती है, वो वाली नहीं, दिखावे वाली नहीं, बिल्कुल प्योर। लेट सपोज एग्जाम्पल दे देता हूं, एक जमाने में हमें एक ने सोचा मजबूरन, मैं बताऊं मजबूरन मुझे भी आपकी दुनिया में आपकी तरह बिहेव करना पड़ता है,
मैंने अपने बच्चों को बताया कि एक जमाने में हमारे घर के नीचे चार गाड़ियां खड़ी होती थी। उन्होंने कहा हमें यकीन नहीं आया। मेरे पास कोई 12-13 लाख रुपए का बजट था उस जमाने में, ज्यादा दिखावा में तो मैं चलता नहीं हूं, तो मैंने दो बर्गर और दो खैबर लेके अपने घर के बाहर खड़ी कर दी। अभी भी एक बर्गर है, खैबर खड़ी है, किसी काम की नहीं है, सिर्फ ये दिखावा, क्योंकि आप देखते हैं वही मेरे बच्चे फिर देखते हैं कि भाई ये सर एक गाड़ी जो 70 लाख की गाड़ी है वही काम 17 लाख की गाड़ी पर भी हो सकता है, वो 27 लाख की गाड़ी पर भी हो सकता है, वो 37 लाख की गाड़ी पर हो सकता है, आप यकीन जाने 5 लाख की गाड़ी पर भी वो काम हो सकता है। तो ये जो आप दिखावों में पड़ गए हैं ना, ये आपकी बर्बादी का रास्ता है। और मजबूरन हम छिछोरे हैं, हम चाहते ना चाहते एक दूसरे को दिखाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जिनका करना जरूरी नहीं होता। मैं कोशिश करता हूं ज्यादातर अपनी जिंदगी इस तरह गुजारूं कि जैसे आई एम दी ओनली वन इन द वर्ल्ड, मैं अकेला हूं, तो मैं घर में डीसी पंखे लगा लेता हूं, रेडिएटर वाले, मुझे रोना नहीं है ना आपकी तरह, मैं रोना नहीं चाह रहा, मैं रोना गाना नहीं करना चाह रहा कि जी बिजली महंगी हो गई। मैं पहले अपने एक्सपेंसिव को कंट्रोल करूंगा, मेरे घर में आना है तो भाई वो जो डीसी का पंखा लगा हुआ है रेडिएटर वाला गाड़ी वाला उसकी हवा तुम्हें मुकम्मल आएगी। बट हां जब बच्चे की तालीम की बात आएगी तो जहां पे उसे दाखिल करवाया तो वहां पे मैं फीस बताना नहीं चाहूंगा, वहां पे उन साहब को, वरना पहले बीवी यही कहती है, बीवियों का भी तो ये आप जानते हैं ना, बीवी तो बच्चों को ये बताने पर, टोटल पाकिस्तानी बीवी का जो काम होता है वो ये बताना होता है बच्चों को ये तुम्हारे वालिद ने किया है क्या है। इसीलिए तमाम मर्द आज की तारीख में इस बात पर मुत्तफिक है कि बच्चे बीवी के ही होते हैं, बच्चे मां के होते हैं, बाप चाहे कुछ भी कर ले बच्चे मां के ही होते हैं, ये तमाम पाकिस्तानी मर्दों का मुश्तरका फैसला है। क्योंकि बीवी कुछ ऐसी ट्रेनिंग करती है, अगले को कुछ ऐसी बातें उसके जहन में डालती है। बट जब मैं एडमिशन करवाने उस स्कूल में गया तो वहां पर स्कूल नहीं, A-levels के अंदर जो स्कूल कह लेगा कॉलेज कह लेगा, वहां पर उन साहब का शुक्रिया है कि उन्होंने कहा कि बेटा तुम पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम या तुम्हारे वाले इस इंस्टीट्यूट की फीस अफोर्ड कर सकते। और ये दूसरा अपने वालिद का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने वालिद का शुक्र अदा करो। तो जहां खर्च करना होता है वहां हम जरूर करते हैं, बट जहां दिखावा करना होता है वहां हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम दिखावा करें, क्योंकि आपके साथ जिंदा भी तो रहना है, अदरवाइज हम बिल्कुल सादे होकर धोती पहन के घूमने लग जाए तो आप तो हमें बिल्कुल चूतिया समझ लेंगे। बिल्कुल सर, गरीब को अगर इस वक्त पीसा गया है तो गरीब है क्या, ये भी तो आप देखेंगे ना, गरीब क्या है, गरीब से जैसे आज भी बात करो कैसा सरदारी के बारे में कुछ मत कहना, पीपल्स पार्टी ने ये किया है भाई, के इलेक्ट्रिक, ये जो महंगाई, जो महंगी बिजली आपको मिल रही है, मिल क्यों रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर महंगी बिजली इसलिए मिल रही है कि MQM का वोटर एक बंगाली पाड़ा है और पूरे बंगाली पाड़े में जब आप पहुंचेंगे तो कुंडे लगेंगे। MP का वोटर पठान पाड़ा है, आप पहलवान वोट पे आ जाएं तो MP का वोटर है वहां पे सिंपल से अल्फाज में वहां भी कुंडे चल रहे हैं। सिंधी पाड़े में चले जाए, कच्ची बस्तियों में चले जाए कुछ MQM की, वहां पता चलेगा कि उनका वोटर है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने नहीं देंगे। तो ये बिजली का बिल, बिजली महंगी नहीं हुई है, इस वक्त आप 4 से 5 घरों का बिल दे रहे हैं, सिर्फ इतना हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, कोई बिजली बिजली महंगी नहीं हुई। जिस दिन ये लोग बता दें कि भाई हमारा वोटर हो कोई भी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी बिजली काट दी जाए, यानी मैं घर से बाहर निकलता हूं कच्ची आबादी के सामने। सर ऐसा नहीं है कि लोड शेडिंग नहीं हो रही, बट वहां पे इतना बड़ा बल्ब हर वक्त जल रहा होता है। अब कोई पूछने वाला क्यों नहीं, क्योंकि दो कवर लिए हैं उन्होंने, एक तो ये कि इमाम मार्कर का कवर ले लिया है और दूसरा ये कि भाई वो वोटर कि भाई हम सिंधी वोटर भी हैं और इतना बड़ा उन्होंने वो बल्ब लगा के हर वक्त जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। तो आप इस वक्त 4 से 5 घरों की बिजली भर रहे हैं जिसमें आप कभी
कि जमात इस्लामी भी अभी आवाज निकाल लेती है, हमारे जो दोस्त अहबाब है यार हम लोग आवाज निकाल रहे हैं। मैंने कहा तुम लोगों को हिस्सा नहीं मिला, वरना वो जो मैंने आपको बात की वो साहब कहते थे मैं के इलेक्ट्रिक वालों ने मुझे खामोश करवा दिया। भाई खामोश नहीं करवा दिया, तुम्हारे जो ये फ्री राशन प्रोग्राम चल रहे हैं उनका बिल बताओ कि तुम देते हो नहीं देते हो। कंपनसेशन इस मुल्क में कंपनसेशन मिल जाती है शोर मचाने वाले को, उसके मुंह में दो नोट डाल दिए जाते हैं उसका मुंह बंद हो जाता है। अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुंह खुला हुआ है, थोड़े से नोट आएंगे मुंह बंद खलास। जरदारी सिंध के ऊपर कब्जा कर चुका है, करंट लोग साथ में मिला लिए, अपनी औलाद के बारे में फैसले लेता है। जाहिलों के लिए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है, करप्शन सपोर्ट प्रोग्राम वो चलता रहेगा। इमरान खान की गलतियों में से एक है कि जब वो करप्ट अफसरान 14,700 इंप्लॉइज पकड़े गए थे तो उसने उस वक्त कोई फैसला नहीं लिया। अगर वो फैसला लेता उनके खिलाफ उनको सिंपल निकाल दिया जाता, आप यकीन जाने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। आज भी अगर आप लोग फिर बल्क बाइंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी ना, एक 16 लीटर का ऑयल का केन अगर आप ले रहे हैं ना, 7,600 7,800 का मीजान के दूसरे को मिल रहे हैं, जिसमें आपको एक लीटर तेल 480-485 का पड़ना है, वही जब आप पाउच लेने जा रहे हैं तेल का तो वो 580-590 का एक लीटर में 120 रुपए का फर्क आ रहा है। हम बल्क बाइंग को भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हमारे आज भी जो गरीब से जब मैं पूछ रहा हूं तो वो गरीब बिल्कुल मतलब जो भी उसकी बजा रहा है आप जब एक बार देख लेंगे इस तरह से, वो कहता है जरदारी को कुछ मत बोलना, अल्ताफ को कुछ मत बोलना, बेनजी को कुछ मत बोलना। उसके हिसाब से तो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, नवाज को कुछ मत बोलना, वो लोग बेस्ट लोगों में शामिल है। इमरान खान को उसकी सजा मिल रही है, मिलेगी, मिलती रहेगी। आप पे सिर्फ एक छोटा सा बम मार रहा है, अभी उन्होंने महंगाई का छोटा सा बम था और आप पैसा पैसा करते हुए भाग गए। अच्छा ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं सुबह स्कूल जा रहा होता हूं तो बच्चों को छोड़ने तो दो बाइक खड़ी है, दो गाड़ियां खड़ी, सड़क पुलिस सारे जवान की जिसपे ज्यादातर फ्लैट स्कूल हैं राडो बेकरी वाली, सर थोड़ा सा बच्चों को वॉक करवा लेता हूं, बाइक निकाल लेता हूं, उसमें टाइम की और पेट्रोल की दोनों की बचत हो जाती है। गाड़ी निकाल के देखी तो गाड़ी वहां तक उस टाइम पर पहुंच ही नहीं पा रही जिस टाइम पर उसको पहुंचना है, बट वही छिजोरी गांव है, कहिए हम तो गाड़ी में ही जाएंगे, गाड़ी का वरना फायदा क्या, जब तक स्कूल में खड़ी भी मिस ना देखे उस गाड़ी को, मोहल्ले वाले ना देखे उस गाड़ी का फायदा क्या। छिछोरे लोग हैं, छिछोरों की तादाद ज्यादा है, मुनाफिकों की तादाद ज्यादा है। ये वो बातें जो हम इसके ऊपर आपको बताएंगे। साथ में टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को आप बढ़ाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त एक बहुत बड़ा गदर मचाने पर उतरी हुई है, कई लोगों की जॉब जानी है, कई चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन आनी है, और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेगा बहुत पीछे रह जाएगा। 10-15 साल के अंदर अंदर इतने बड़े इंकलाबात आएंगे कि आप देखते रह जाएंगे, सतही चीजों से बाहर आए। सतही चीजें क्या है जी, जरदारी साहब का बयान हो, जरदारी साहब का बयान तुम्हारी मदद, तुम्हारे को क्या है जरदारी साहब का बयान, वो आज है वो कल नहीं होगा, तुम आज भी हो, तुम्हारी औलाद ने कल भी रहना है, तुम्हारे खानदान ने भी रहना है। तुम्हें जरदारी साहब के बयान से इतनी ज्यादा मोहब्बत उन्फियत क्यों हो गई है? नवाज शरीफ क्या कह रहा है उसका तुमने बड़ा ख्याल रखना है। साथ में इस मुल्क के अंदर सादगी के बाद जिस जगह पर उंगली टेढ़ी करनी पड़े ना वहां उंगली टेढ़ी कर। मैं इस वक्त जहां बैठा हूं वो एक मार्केट है और
उस मार्केट में हमने अपना ऑफिस बनाया हुआ है सर। लाख लाख रुपए की मेंटेनेंस है, किराया सिफर रुपीज है, मस्जिद बनी हुई है, नमाज के टाइम पे लोग पहुंच जाते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं इस बात को, यानी यहां पर मेंटेनेंस तो है, किराया नहीं है, 10-10 साल से लोग बैठे हुए हैं, और जब मालिक के दुकान आता है तो वो उसको बताते हैं कि कारोबार ही नहीं है। अच्छा कारोबार नहीं है, 10 साल से बैठ के क्या कर रहे हैं? शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह झूठ है। थोड़ा सा एंगल चेंज करो, एक और लोग कह रहे हैं वो अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। भाई कोई अच्छा बुरा नहीं होता, एक ही इंसान है, वो कुछ के लिए अच्छा है कुछ के लिए बुरा है। मैं हूं कुछ के लिए बहुत अच्छा होगा, कुछ के लिए बहुत बुरा होगा। आप हैं, आप कुछ के लिए बहुत अच्छे हो, कुछ के लिए बहुत बुरे होंगे। अभी भी समझ में नहीं आई तो क्या लगता है दरदारी बुरा ही है, अल्ताफ बुरा ही है? नहीं जी, ऐसा नहीं। कुछ लोगों के लिए दरदारी बहुत अच्छा है, हो सकता है आपके लिए बुरा हो, आपके लिए अल्ताफ बहुत अच्छा हो सकता है, मुझे बुरा लग रहा है। एक ही शख्स है, ये अच्छे बुरे लोग नहीं होते दुनिया में, एक ही शख्स है, वो कुछ के लिए अच्छा है कुछ के लिए बुरा है। थोड़ा सा जावियों को चेंज करना शुरू करो। सादगी में बहुत ताकत है, आप सादगी इख्तियार तो करके देखें, बट आपको रोकता क्या है? लोगों की तरफ से आने वाला दिखावा। अच्छा लोगों को अपनी जिंदगी से कम मैंने कैसे किया? मैंने बड़ा आसानी से कम किया, और तब जाके आप जिंदगी की हकीकत को समझ पाएंगे। जब भी आपका कोई करीबी रिश्तेदार या करीबी दोस्त आपसे पैसे मांगे, या दूर पार का दोस्त, उसको उसकी औकात के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से नहीं, उसकी औकात के हिसाब से 50,000 भी मांग रहा है ना, 15,000 या 5,000 रुपए देकर ट्रांसफर करके उसे रवाना करो। अब वो अगर उसका खानदान होगा, उसका कोई शजरा होगा, उसका कोई नसब होगा, उसका कोई खून होगा, वो आके वापस करेगा। अदरवाइज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग। तो इसका मतलब ये होगा कि अपनी जिंदगी से अगर आपने कुछ लोगों को कम करना है, रिश्तेदारों को कम करना है, उधार देना शुरू करो, उनमें से जो फालतू लोग हैं वो खुद ही गायब हो जाएंगे। मुझे मेरी एक कजन ने जब कनेक्ट किया कैनेडा से, कहने लगी भाजी खानदान में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मुझसे उधार ना लिया हो। मैंने कहा यार मैं भी तो आपके खानदान में आता हूं। कहने का मतलब सर, पहले तो अपनी जिंदगी से उन लोगों को कम करें जो उधार लेके गायब हो जाए, फिर कुछ मेहरबानियां करना शुरू करें। वो उन मेहरबानियों का सिला आपको बदनीयती से, बदमाशी से, हरामीपन से देंगे, वो लोग भी गायब हो जाएंगे, तब आपको दुनिया समझ में आना शुरू होगी। मैं कहता हूं अगर आपने 50 एग्जाम्पल्स आपके पास नहीं है नेकियों की जिसके बदले में आपको बदी मिली हो, तो अभी तो सर आप पैदा ही नहीं हुए, आपको पता ही नहीं दुनिया में हो क्या है। सिंपल बता दिया ना, कुछ चीजें फ्री दे दो, कुछ उधार दे दो, जरूरत पे काम आना शुरू हो जाओ, खत्म हो गई बात। फिर आपको पता चलेगा कि जिंदगी किस तरह से आपको लोगों के चेहरे दिखाती है। ये वो बातें हैं जो हम अपने इस चैनल पे करना चाहेंगे, आपसे करना चाहेंगे। और इंशाल्लाह जिस दिन आपने हमारी बातों को समझा, सर आखिरत का पता नहीं दुनिया में कामयाब हो जाएगी। उसमें कभी टेक्नोलॉजी है, कभी वो लोग हैं जो आपसे खेल रहे हैं, कभी वो सामाजिक कारकुन बन के खेल रहे हैं, कभी कोई मौलवी बन के खेल रहा है, कभी वो दिखावे कर रहे हैं कि आइए मैं आपको सिखाऊं कि 10,000 US डॉलर कैसे बनेंगे। लालच, आप में जब ये लालच होती है ना, जिन लोगों को भी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं उनमें लालच होती है। फाइनेंशियल लॉस उठाने वाला अगर कभी आपको ये बोले कि उसमें लालच नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। फाइनेंशियल लॉस उठाएगा ही वो जिसमें लालच हो, जिसको रातों रात अपने पैसे डबल करने हो, 3 गुना करने होंगे, 4 गुना करने हो। लालच का मादा ही आपको नुकसान की तरफ लेकर जाता है। जितनी लालच कम होगी उतने नुकसान आप में कम उठाने पड़ेंगे।
ये वो चीजें जो अगर आपने समझी सीखी आप कामयाब हो जाए। फिर कुछ लोग हैं जिनकी जो ज्यादा मोहतरमा होती है, जो बीवियां होती हैं, जिसकी भी ज्यादा मोहतरमा, मैंने उन मर्दों को बर्बाद पाया, उनकी जिंदगी बर्बाद पाई, जिनकी बीवियां उनके सरों पर पैर रख के खड़ी हुई होती। एट द एंड दो सूरतों में वो उसको ये मौका देते हैं, या तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो वो उसको ये मौका देते हैं कि वो उनके ऊपर, सर के ऊपर पांव रखकर खड़ी हो जाए, या उनमें और कोई जिस्मानी कमजोरी पाई जा रही होती है, तो वो सोचते हैं अगर मैं इसकी सुनूंगा भी नहीं तो फिर ये मर्द चेंज कर ली। कोशिश करें कि अगर आप सबसे पहले मैं बताऊं, एम्प्लॉय चलाना तो बहुत दूर की बात है, यानी कामयाबी का एक टाइम आता है जब आप कारोबार करते करते अगर आप एम्प्लॉय नहीं चला सकते, मतलब अगर आप वन मैन शो है और आप एम्प्लॉय रन नहीं कर सकते, एम्प्लॉय टैकल नहीं कर सकते। ये जितने लोगों ने दुनिया में तरक्की की, जितने लोग आगे बढ़े, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो थी वो थी कि वो टैकल कर सकते थे, एम्प्लॉय चला सकते थे। अगर आप एम्प्लॉय नहीं चला सकते, अगर आप नौकर को मैनेज नहीं कर सकते, आप कभी एक बड़ा कारोबारी इंसान नहीं बन सकते। हाँ, मीडियोकर आप कह सकते हैं, मिडिल साइज की, मीडियम साइज की, एक स्मॉल साइज का दुकान, वो भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एम्प्लॉयज को चलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। कल एक कॉल आती है हमारे भाई, मेरे बच्चे के बारे में, कुछ आप बताएं कि वो क्या कारोबार करें। सर, पैसों के बिना पर कारोबार तो कोई भी कर सकता है, मजा तब है जब आप जहन की बिना पर कोई कारोबार करें, माइंड की बिना पर कोई कारोबार करके किसी को आप हराएं, तब मजा आए। दस साल हो चुके हैं और लोग मेंटेनेंस के ऊपर बैठे हैं, जब उनसे किराया मांगा जाता है मालिक के दुकान की जाने से तो कहते कारोबारी नहीं, भाई कारोबार नहीं तो घर जाओ। झूठ थोड़ा सा छोड़ देते हैं, अदाने वाले ख्याल, फिर मिलते हैं सेकेंड वीडियो में।